हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज का कंपोजिशन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मूडी कलर है, और देखते हैं इसे हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं और कोशिश करते हैं। पहले हम ड्राइंग करेंगे, ड्रॉ करने के बाद फिर कलर देखेंगे कौन सा कलर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप लोग जुड़ते रहिए, मैं ड्राइंग शुरू करता हूँ। पेंसिल लाइन काफ़ी हल्का दिखेगा आपको। शुरू में कोई भी कंपोजिशन आपको बॉक्सेस के शेप में कवर करना है, मोटे मोटे पार्ट में। फिर जब आपका प्लानिंग हो जाता है, फिर आप उसे डिटेल करें। पहले ये देखना है कि आपके पेपर में कहाँ पे कौन सा सामान आ रहा है। कौन सा लाइन पेपर के कहाँ से बाहर जा रहा है। हेलो रूपम, गुड मॉर्निंग। क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें दिखाना नहीं होता है, मेन मेन पार्ट जो मोटे मोटे स्ट्रोक्स में हमें दिखते हैं उसी को दिखाना होता है। पेंसिल लाइन हमेशा लाइट रखना है, ज़्यादा डार्क कलर ना करें। और यहाँ पे आपको दिखने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ।
ये कोई ओल्ड पेंटिंग रेफरेंस है, और दिखाई दे रहा है कि कार्सेड है। इस सब्जेक्ट में मुझे मेन लगा कि इसका कलर काफी जबरदस्त कलर है, वो कलर को हम कैच करने की कोशिश करेंगे। पेंसिल स्केच आप अच्छी तरह करना है आपको, अच्छी तरह पेंसिल स्केच करेंगे तो आपको याद रहेगा कहाँ पे कौन सा सामान है। अभी हम थोड़ा कलर शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अग्निव जी। कलर में काफी ग्रे टोन है, नेपल्स येलो यूज हो सकता है, पेंस ग्रे यूज हो सकता है, कोई आपके ग्रे ग्रे कलर हो तब वो भी यूज हो सकता है। कोबाल्ट ब्लू के साथ नेपल्स येलो यूज करने से भी एक ग्रे टोन बनता है। येलो ऑकर यूज होगा थोड़ा सा। कोबाल्ट ब्लू के साथ नेपल्स येलो यूज करने से काफी सुंदर एक ग्रे टोन बनता है। ऑलमोस्ट कलर जो है एक ग्रे टोन में है। नेपल्स येलो यहाँ पे थोड़ा सा येलो बेस ज्यादा है, थोड़ा सा येलो ऑरेंज।
और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सूखने के बाद आपका कलर कितना रहेगा, उसी के बेस पे आप कलर को बढ़ाना कम करना है। कोबाल्ट ब्लू, तो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा येलो टोन है क्योंकि तो नेपल्स येलो एंड येलो ऑकर कोबाल्ट ब्लू के साथ हमने यूज़ किया है। कुछ फिंगर्स से मैं वाटर ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि कुछ टेक्सचर क्रिएट हो। यहाँ पर अच्छी तरह ड्राई करना है। बैकग्राउंड में एक स्केल आप करूँगा, कलर में बताऊँगा कौन कौन सा यूज़ करूँगा, जैसे कि फैंस ग्रे, फैंस ग्रे थोड़ा सा ऑरेंज, कोबाल्ट ब्लू, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर सब्जेक्ट को खराब ना करें। कोबाल्ट ब्लू, इंडिगो, लेवेंडर, इसी इसी समय चलते थोड़ा सा सेफिया कलर और कोबाल्ट ब्लू।
इस तरह से वाटर कलर को खेलने देना है। हेलो डॉक्टर अंशुमन जी, गुड मॉर्निंग। ट्रेन का जो ड्राइंग है उसे ध्यान रखना होगा इस समय, किसी कारण खराब ना हो जाए। अक्सर बिगनर्स में ये प्रॉब्लम होता है कि पेंसिल ड्रॉ अच्छा होता है, उसके बाद कलर करते समय गड़बड़ होता है। कोबाल्ट ब्लू इसमें थोड़ा सा ब्राइट ऑपेरा यूज़ किया एक वायलेट टोन लाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्मोक फीलिंग है, स्टार्टिंग में मेरा छूट गया था तो अभी व्हाइट कलर से उसे कवर कर लूँगा। कोबाल्ट ब्लू कोबाल्ट ब्लू के साथ नेफल्स योलो अभी ये वाला पार्ट गीला है और जितना भी डार्क यूज करना हमें गीले गीले में करना चाहिए। इंडिगो कोबाल्ट ब्लू थोड़ा रेड ब्राउन यूज करता हूँ। हेलो शो क्या शदुक रुद्र वेलकम जी वेलकम।
अभी यहाँ पे गीला है तो कुछ वाइट इन वाइट पे ये डार्क अप्लाई कर दूंगा तो उसमें मर्ज हो जाएगा, और मर्ज होना ज़रूरी है, जो जो डार्क आपके डेप्थ में हो वो मर्ज होना ज़रूरी है। आपको सोचना है आपके कंपटीशन को और बेहतर कैसे कर सकते, क्या होना चाहिए। संजय सर हेलो, गुड मॉर्निंग। जसप्रीत जी गुड मॉर्निंग। जननी मैम गुड मॉर्निंग। ओके बने रहिए। अभी हम धीरे सब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। सब्जेक्ट पे क्या करेंगे, पहला मोटे मोटा एकदम बोल स्टोक्स में जो कलर है उसे करने की कोशिश करेंगे। कोबाल्ट ब्लू के साथ आपके नेपल्स योलो, ये जो नेपल्स योलो है आप कैमल के यूज़ करें, कैमल और मिशन गोल्ड में काफ़ी अंतर हो जाता है। नेफल सियोलो का अभी भी जो मोटा मोटा चीज है उसे मैं संभाल रहा हूँ। अब जरा होले होले कीजिएगा। आपको जितना समय लगता है वो देना चाहिए। यहाँ पे जो सेकेंड वास का जो कलर है पहले उसे यूज़ कर रहा हूँ, फिर डिटेल की ओर चलेंगे। डिटेल में क्या है फिर देखेंगे। ये दो कलर है, एक नेपल्स येलो है
नेपल्स येलो है और एक कोबाल्ट ब्लू। नेपल्स येलो है, ओके। कैमल का यहाँ थोड़ा तसल्ली से लाइन को किया क्योंकि ज़रूरी है। जहाँ आपका स्लो काम करना है वहाँ पे करना है। ये कर्व दिखाने के लिए यहाँ पे और ऊपर थोड़ा सा डार्क टोन दिया गया। पोनी हेयर ब्रश, पोनी हेयर ब्रश कौन सा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जिस नंबर आपको शो हो रहा है, फिर मैं आपको कुछ बात कर बता सकता हूँ। शायद अभी मैंने क्या किया, मोटा मोटा जो सेकेंड वॉश में जो यूज़ करने वाला कलर था उसे हमने अप्लाई किया। तो कंपोजिशन का भी क्या बोलते हैं, क्लियर नहीं है इतना, अभी ब्लर सा है, तो कोई बात नहीं। अभी अभी यहाँ पे मज़ा आएगा काम करने का और किस तरह से काम को किया जाता है यही देखने की बात है। यहाँ पे अभी तक जो था वो नॉर्मली एक कलर वाज यूज हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर लिया, येलो के साथ थोड़ा हल्का ऑरेंज। बंसिया ना
थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ स्ट्रोक्स, ऐसा कोई स्पेस मैं छोड़ के जाऊंगा जिससे व्हील का असर करेगा, ऐसा लगेगा। और एकदम से डार्क कलर यूज़ नहीं होगा, उसके लिए आप वेट करें। सेकेंड वॉश के बाद आप धीरे धीरे डार्क कलर की ओर जाना है। पहले अगर आप डार्क कलर यूज़ कर लेते हैं फिर आपको मौका नहीं मिलेगा बाद में यूज़ करने की। ओके, अभी गीला है यहाँ पे ये वाला पार्ट और थोड़ा सूखना चाहिए। अब अल्टीमेट डीप नेफल सियोलो काफ़ी सिंपल तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। मैंने अल्टामिन डिप को यूज़ किया, अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तसली से आप देखेंगे तो आपको वो सारे डार्क टोन दिखेगा। और उसे आप गीले गीले पे ही कोशिश करना है, उस एरिया गीला होना चाहिए। स्केल का बहुत बड़ा रोल है कितना आप कलर स्केल यूज कर रहे हो। थोड़ा सा ड्राई कर लेता हूँ।
ये वाला फ्रंट अच्छी तरह बनाना होगा अभी। हल्का सा कलर से यहाँ पे जो टेक्सचर बना हुआ है, ये लाइनिंग बना हुआ है उसी को, ठीक है। ओके कोबाल ब्लू नेवल्स येलो, थोड़ा ऑरेंज, हेलो गीतिका मैम गुड मॉर्निंग, अभी मैं क्या करूँगा धीरे धीरे जहाँ पे कलर स्केल ज़्यादा है जिसके जरिए हम कंपोजिशन के अंदर बहुत सारे सामान को 3D लुक देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अचानक डार्क कलर ना यूज़ करें, आपको मौका मिलेगा डार्क कलर यूज़ करने के लिए।
क्या है क्या नहीं है, उलझन है। हाँ छोटे छोटे डिटेल्स को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ओके, यहाँ पे एक प्लेट सा है, उस प्लेट को अलग करने के लिए तो हमें एक स्केल पीछे लेना होगा। इससे क्या होगा, सामने वाला जो प्लेट है ये उभर गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन चल रहा है जो कि एयरलाइन जो भी है लाइन चलता है, उसे हमें एक स्केल से अलग करना है। स्केल मीन्स थोड़ा कलर यूज़ किया जा रहा है उस चीज़ सामान को अलग से दिखाने के लिए, बहुत हल्का सा। अचानक कलर ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला प्लेट जो है कलर स्केल अप एंड डाउन करके इसे अलग कर दिया हमने। पेंस ग्रे सेफिया जिसके अंदर काफी डार्क टोन है, सामने वाला एरिया को थोड़ा सा डिटेल बनाने की कोशिश करूंगा। बस ये दिखाना है कि बहुत कुछ है, ये नहीं दिखाना क्या है।
हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। बस स्किल को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, मैं डार्क की ओर धीरे धीरे जा रहा हूँ। हेलो जगदीश सर, सिल्पुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेपिया एंड स्नैपल सियोलो, यहाँ पे दो चार व्हील का वो दिखाएंगे। ओके, मूडी एंड एटमॉस्फेयर कलर कुछ नहीं है, ज़्यादा कभी भी ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। मूडी हम इसलिए यूज़ करते हैं उस समय, उस एटमॉस्फेयर या जो भी है, कब होता है ये शिल्पम, ये कब होता है? जब मूडी मूडी मीन्स कब होता है ये? जब कभी बादल सा, तूफान सा, ऐसा कुछ क्रिएट होता है ना, या बारिश का मौसम है, ऐसे सिचुएशन में ये क्रिएट होता है मूडी। और क्या बोला, मीनिंग ऑफ मूडी एंड एटमॉस्फेयर कलर्स, उसमें कुछ नहीं है, आपको कलर का फॉलो करना है। कलर कौन सा कलर है, क्या यूज़ किया है। मेन कलर ही है कि आपको ये देखना है, इस मूडी जो हम कह रहे हैं इसमें कौन सा कलर यूज़ कर रहा है, कुदरत में कौन सा कलर है, उसे हमें देखना है बस। जब तूफान आता है, आंधी आता है, या बारिश के मौसम, ऐसा कुछ मौसम में आसमान के कलर बदलता है, तो जमीन के ऊपर जो भी सामान है सब कलर बदल जाता है। आपने देखा भी होगा, तो वो कलर बदलता है, और हम अगर पेंटिंग के अंदर वो बदलता हुआ कलर हम ना यूज़ करें तो वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो हम बस उसे पहचान के लिए एक मूडी नाम रखा है कि मूडी पेंटिंग या मूडी कलर्स, जो कि उस समय यूज़ करते हैं जब इस समय इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना है, फॉलो करना कि इस सिचुएशन में क्या क्या कलर बनता है। और आपके कंपोजिशन आप उसमें देख सकते हैं, एंड्रॉयड के एंड्रॉयड फ़ोन से बीच बीच में आपको देखना चाहिए। उससे क्या होगा, जो मोटा मोटा जो खामी है वो आपको मालूम चलता जाएगा।
और देखिए गलती क्या करते हैं हम, इस एरिया में बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ कर देते हैं, है ना। अभी ये दूर है, डेप्थ दूर है, यहाँ पे ये वाला डार्क यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि वो वाला डार्क वहाँ लगा देते हैं, क्योंकि वो अंधेरा दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कलर स्केल को ध्यान में रखना होता है। और भी आपको डिस्कस करना तो मुझे फ़ोन करना है, आप फ़ोन कर सकते हैं किसी भी बात पे, आपके मन में खटकता हो सके मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ जितना मुझे मालूम चलेगा। तो बातों के बीच बीच में हम सब्जेक्ट के डिटेल में चल रहे हैं, और अगर आप रेफरेंस को अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो आपको दिखाई देगा कहाँ ऑरेंज का टोन है, जो डार्क कहाँ ऑरेंज से बन रहा है, कहाँ येलो से बन रहा है। उन चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि कलर कौन कौन सा कहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। लेवेंडर, ओके एक सामान यहाँ पे है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। जिससे हमारी कंपोजिशन को और सुंदर बनाने की मदद करेगा। दूर डेप्थ में डार्क नहीं करना, ये बड़ी टिप मिला है। हाँ ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो और भी बहुत सारे चीज़ मिलेगा। खैर यहाँ पे हम जो सिचुएशन आता है वो हम शेयर करते हैं आपको। और एक तो प्रॉब्लम बहुत आता है कि यहाँ पे कौन देख रहा है मालूम नहीं चलता, क्योंकि तरह तरह के नाम यूज़ करते हैं, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता ये देख कौन रहा।
कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि दिखाने की। ओके संजय सर, मुझे कलर को इस तरह से यूज़ करना है कि लगे पटरी के ऊपर है। बहुत सारे सामान होते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा सामान हम बना नहीं सकते, तो शॉर्टकट इस तरह से कुछ कुछ दिखा दिया, कुछ कुछ अपना आप समझना है। वेट 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 वेट, तो ये जहाँ पे डार्क है, अंधेरा है, वहाँ पे हम वेट इन वेट पे काम किया था कि अंधेरे के अंदर आपको लाइनिंग नज़र नहीं आता। ओके सॉरी, यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम आया। थोड़ा करते हैं जब तक लाइट आ जाता है। तकरीबन पेंटिंग कंप्लीट हो गया, 2-4 मिनट का काम था, लाइट गया। तो ये है मूडी कलर, जिसके अंदर ज़्यादातर ग्रे टोन होता है ना, क्योंकि वो क्लियर नहीं दिखता कुछ। और आप अगर आपके पेंटिंग्स को उसके अंदर देखेंगे तो काफ़ी गलती आपको नज़र आ जाता है। किस पे? एंड्रॉयड के अंदर।
कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कलर यूज़ किया है कि लगे पटरी है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइट चला गया जिसके वजह से थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगा। ओके, अब आ गया लाइट। यहाँ पे कुछ मतलब ज़्यादा सोच समझ के नहीं है, बस यूँ दिखाना है कि यहाँ पे एक व्हील है। हर एक चीज़ को अपने सब्र से करना है, दिल लगा के करना है, क्योंकि पेपर की कॉर्नर टू कॉर्नर पूरा आपका ही है, आप कहीं पे अच्छा काम कर रहे हो, अगर कहीं पे अगर बुरा करते हो तो वो आपकी क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स बने रहने के लिए। और अभी समाप्त करते हैं काम को। ये वीडियो यहाँ पे रहा, आप देख सकते हैं अपने समय निकल के, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं कभी भी आ सकता हूँ। थैंक यू जननी मैम, थैंक यू। अभी कुछ कुछ इलाके में थोड़ा लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे छोटे कुछ पार्ट्स दिखाने के लिए। हो गया तो अच्छी बात है।
थैंक यू सो मच। कुछ ड्राई स्ट्रोक्स। ओके मतलब एक डार्क के अंदर तीन चार कलर का वो लेवल लेयर वो दिखना चाहिए। तो इस लाइन को अच्छा मेंटेन रखना है ताकि वो लगे पटरी के ऊपर है। ओके। और चलिए ठीक है, अच्छा है। इसमें कलर यूज किया नेपल सियोलो जो कि कैमल का है, कोबल्ट ब्लू जो कि मिशन गोल्ड का है, मेन दो कलर है। बाकी कलर आप इसके बीच में रिव्यू करेंगे, दोबारा देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। सिंपल सा था आज का ये काम। फिर मिलते हैं।
थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।